कृषि मात्र हमारी आजीविका का साधन नहीं है बल्कि जीवन परंपरा है। मिट्टी में बीज के साथ हम इस मंगल कामना को भी रोपित करते हैं कि ये प्रकृति सदा सर्वदा सबका पालन पोषण करती रहे। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती की परंपरा बनाई। जल के साथ मिट्टी, खाद्य सुरक्षा, पोषण, सतत विकास, हमारा भाग्य और भविष्य भी जुड़ा है। तो फिर आइए पूर्वजों की इस परंपरा को फिर से आगे बढ़ाएं, जैविक खेती को अपनाएं। परंपरागत ज्ञान से मिले नव तकनीक विज्ञान, सफल सशक्त किसान हो भरे खेत खलिहान, यही कामना है, यही प्रयास है हमारे कार्यक्रम सफल किसान का। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सफल किसान में। प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर आइए मिलते हैं आज की हमारी सफल महिला किसान चंचल शंडियाल से, जिन्होंने अपने मजबूत इरादे और अपनी कड़ी मेहनत से परंपरा से प्रगति तक का सफर तय किया है और जैविक खेती करने वाली सफल महिला किसान का मुकाम हासिल किया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, इस कहावत को सार्थक किया है खैरपुर ग्रेटर नोएडा की सफल महिला किसान चंचल शांडियाल ने। खेती बाड़ी के कामों में इतनी तन्मयता से लगी चंचल शांडियाल पहले पेशे से फैशन डिजाइनर रही है। कोविड काल के दौरान जब बाहर सन्नाटा था, काम धंधे गतिविधियाँ धीमी थी, तो इनके दिमाग में नई सोच अंकुरित हो रही थी। वो एक ऐसी पहल करना चाहती थी जो पर्यावरण, मनुष्य, जीव जंतु सबके लिए हितकर हो, यानी जैविक खेती। फिर एक दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ चली परंपरा से प्रगति की राह पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 2 साल से कर रही हूँ और इससे पहले मैं फैशन डिजाइनिंग किया हुआ था, तो मैं स्कूल यूनिफॉर्म का काम करती थी। स्कूल यूनिफॉर्म का काम करते करते अब वो कर ही रहे थे, तो फिर इस बीच में कोरोना आया तो हमारा स्कूल यूनिफॉर्म का काम ही एक तरह से बंद ही हो गया था, क्योंकि सारे स्कूल बंद हो गए और उन बच्चों का आना जाना सब ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ। फिर ये सोचा कि मतलब अब खाली बैठना पड़ा बहुत टाइम, अब खाली बैठने के लिए फिर अब उसके बाद हम क्या करें, अब वर्किंग है तो हम खाली नहीं बैठ सकते, बैठा ही नहीं जाता। तो फिर मैंने ये देखा कि कोरोना में जैसे कोरोना बढ़ रहा था और लॉकडाउन होता चला गया, और जो कोरोना में जो लोग सर्वाइव कर पा रहे थे, तो ये कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा खाया है या जिनको नेचुरल मिला है, जो घर का खाना खाते हैं बेसिकली, तो दिमाग में ये आया कि भाई जिनकी इम्यूनिटी बेसिकली ठीक है वही लोग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे कोरोना में। अब कोरोना में फिर ये लगा कि क्यों नहीं मैं एक बार नेचुरल फार्मिंग करना शुरू करूं। अब फार्मिंग जब किया तो ये भी नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, तो शुरुआत में फिर मैंने काफ़ी सर्च किया, ये देखा कि चलो वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं, और वर्मी कंपोस्ट से एक थोड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए बेसिकली पहले तो मैंने शुरू किया था। और कुछ टाइम बाद फिर ये लगा कि मैंने एक एकड़ लिया था वो शुरू किया, फिर 1 एकड़ और लिया कि उसके अंदर वेजिटेबल्स भी करते हैं, वेजिटेबल्स किया और मैंने कुछ लोगों को मेरे साथ जोड़ा। एक स्वस्थ और टिकाऊ कृषि पद्धति को जैविक खेती कहते हैं। इसमें रासायनिक खादों, कीटनाशकों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस्तेमाल किया जाता है गाय के गोबर, गौमूत्र से बनी खाद, कीटनाशकों, उर्वरकों, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष से बनी प्राकृतिक खाद का। जैविक खेती का लक्ष्य है मिट्टी की बढ़िया सेहत, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और दक्षतापूर्ण उपयोग, सबके लिए स्वास्थ्य, लागत, कम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सशक्त समृद्ध किसान। जब महिला किसान चंचल ने जैविक खेती करने की ठानी तो उनके पास वर्मी कंपोस्ट बनाने का थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन जैविक खेती को सही ढंग से शुरू करने और समय और मांग के अनुसार इसमें वैज्ञानिक विधियों, तकनीकों का मेल करने हेतु सही जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। जब कुछ कर गुजरने का इरादा हो, संकल्प हो, तो विकल्प भी मिल जाते हैं।
जब हमने शुरू किया जब तो सर ऐसे ही कर दिया था, कुछ पता नहीं था, और जब लोग मेरे साथ जुड़ने लगे और उनको अच्छा लगने लगा और मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप इस चीज़ को बढ़ाइए, सिर्फ वेजिटेबल्स ही हम ऑर्गेनिक ले रहे हैं तो हम आप कीजिए कि भाई हमें गेहूँ भी मिले, दालें भी मिलें, फिर ये कि भाई मुझे पूरी तरह से ऑर्गेनिक करना नहीं आता तो मैं क्या करूँ। फिर हमने ये देखा, काफ़ी सर्च किया कि मुझे ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, मैं कहाँ से प्रॉपर तरीके से इसे सीख सकती हूँ। नेट पर सर्च करने के बाद और कई लोगों से और भी मैंने विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा कि हर एरिया के अपने केवी केस होते हैं जो कि इस तरह बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनके साइंटिस्ट जो हैं वो समय समय पर आपके खेत पर आते हैं और वो सर्वे करते हैं, देखते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो तो वो आपको और अच्छा बताते हैं कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और जिस तरह से भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है वो आपकी हेल्प करते हैं। इवन वो बीज भी देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं करते, और अगर आप जब भी उन्हें बोलते हैं वो आते हैं, रैंडमली भी आते हैं और वैसे भी वो आगे आपको सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं केवी के गई, वहाँ पर मिली साइंटिस्ट मेरे को, मयंक, डॉक्टर मयंक राय, उनसे मैं मिली, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यहाँ पर जो विपिन शर्मा जी हैं उन्होंने मुझे उनके पास भेजा। फिर मैं विपिन शर्मा जी से मिली, सर ने आए और हमारी साइट पे विज़िट की, साइट पे विज़िट करके उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि भाई आप ऐसे कर रहे हो, तो अभी तो मैं रैंडमली कर रही थी, मतलब एक हॉच पॉच में कर रही थी, मेरा कोई सेक्शन अलग नहीं था किसी चीज़ का भी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वेजिटेबल का अलग करें और जो भी फ्रूट का करते हैं वो अलग करें, मतलब हर अपनी एक यूनिट को अलग अलग करें। और फिर उन्होंने ये कि अगर आप गेहूं पर भी जा रहे हो और ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपको फिर एक यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगानी चाहिए। भारत सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवा कृषि क्षेत्र में आए, प्रशिक्षण प्राप्त कर समझ बूझ के साथ कृषि व्यवसाय की तरफ बढ़े। इसके लिए लगभग प्रत्येक जिले में बने कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए वो बीज से लेकर फसल उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में भी पूरा मार्गदर्शन और साथ देते हैं। अनेक महिला पुरुष किसान यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषि क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। प्रयोगशाला के लाभ खेत तक पहुँचाने में एक पुल की तरह काम करते हैं। जैविक खेती करने की इच्छुक महिला किसान चंचल को भी कृषि विज्ञान केंद्र ग्रेटर नोएडा से भरपूर सहयोग मिला। मैं यहाँ सभी समस्त किसान भाइयों और महिलाओं को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक महिला हमसे लगभग 3 वर्ष पूर्व मिली थी। उस समय ये छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का कार्य करती थी और उसको वर्मी कंपोस्ट को ये लूज में अपना बेचती थी, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क में आने के बाद इनको हमने सर्वप्रथम तो ये बताया कि आप जैविक खेती की ओर इनका बहुत ज़्यादा रुझान था कि इसमें किस किस तरीके से जैविक खेती की जा सकती है और इनके इस वर्मी कंपोस्ट को ही किस तरीके से मार्केटिंग के फॉर्म में लाया जा सकता है। तो हमने इनको 5 किलो की पैकिंग और 40 किलो की पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट को पैक करके और बेचने की सलाह दी। इसके साथ साथ क्योंकि इनके यहाँ की जो मिट्टी है उसकी जलधारण क्षमता बहुत कम है, तो खरीफ में इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी कि धान, जैसे कि हमारे इस ज़िले में मुख्यतः धान की खेती की जाती है, कि धान की खेती की जा सके। तो हमने इनको सलाह दी कि आप बाजरा, ज्वार, इसकी खेती कीजिए और वो भी जैविक तरीके से। इसके साथ साथ खरीफ में ये मूंग, उड़द, अरहर, इनकी खेती करती हैं और इन सब्जियों की खेती करती हैं, क्योंकि इनका फार्म बिल्कुल नोएडा में स्थित है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसी जनसंख्या है जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है और जो अच्छी गुणवत्ता का अन्न खाना चाहते हैं, अच्छी गुणवत्ता का पोषण लेना चाहते हैं, भोजन लेना चाहते हैं। तो इसलिए हमने इनको जैविक खेती की सलाह दी और इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया है, जिसको भारत सरकार के एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। और अब हम इनका जो जैविक का सर्टिफिकेशन है, प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद ये तैयार कर रही हैं उसका सर्टिफिकेशन भी इनका पूर्ण होने वाला है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर ही इनके द्वारा यहाँ पर गायें रखी हुई हैं। तो मैं इनके साथ साथ जो अन्य किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, ये सलाह दूँगा कि वो भी आगे आएँ और कृषि को एक उद्यम के रूप में लें। आप लोगों ने देखा होगा कि इनके द्वारा जो भी गेहूं यहाँ पैदा किया जा रहा है, खरीफ में जो भी ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द पैदा की जा रही है, रबी में इनके द्वारा गेहूँ, सरसों पैदा की जाती है, उन सबका ये प्राइमरी प्रोसेसिंग करके उसके उत्पाद अपने यहाँ पर ही पैक करके उसको बेच रहे हैं। तो देखिए, जब तक, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे किसान भाई की आय दुगनी हो, और दुगनी से भी ज़्यादा तभी संभव है जब किसान अपने क्षेत्र पर उत्पादित उत्पाद को कंज्यूमेबल फॉर्म में नहीं लेके आएगा, उसका प्राकृतिक
जो प्राथमिक प्रसंस्करण है उसको नहीं करके और मार्केट में नहीं उतारेगा जब तक उसकी आय दुगनी नहीं हो सकती, तो मेरा यहाँ आह्वान रहेगा उच्च गुणवत्ता का प्राकृतिक अथवा जैविक उत्पाद तैयार करें और साथ में उसका प्राथमिक प्रसंस्करण करें। भारत सरकार की एक यशस्वी योजना और भी आई हुई है जो गोवर्धन योजना है, उस योजना में जो भी गाय का संवर्धन करते हैं और उसके उत्पाद, देखिए गाय जो माता का दर्जा है उसको वो धार्मिक तो है ही है, इसके साथ साथ इसके दूध से भी इनकम हम ले सकते हैं। जो दुधारू नहीं है आजकल लोग उसको छोड़ देते हैं, तो उसके गोबर और गौमूत्र से बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उस गोवर्धन योजना का भी लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी किसान भाइयों से आह्वान कि वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें और जिस भी ज़िले में हैं वो वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर अपनी खेती को उन्नत बनाएं और अपनी आय को बढ़ाएं। हमारी सफल महिला के साथ चंचल शंडियाल ने एक सपना देखा, एक संकल्प लिया जैविक खेती करने का, जिनमें उन्हें साथ मिला कृषि विज्ञान केंद्र का। फिर कैसे उनके सफर को रफ्तार मिलती चली गई, ये आप जरूर जानना चाहेंगे, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। मैं ऐसे कई कारण होने वाले हैं जिसके कारण बिनॉय अनुपस्थित होगा। बिनॉय का मन कहीं और लग गया है। माँ क्या बकवास कर रहे हो? पता है ललिता, मैं बिनॉय बाबू की बातों में ना कहीं गौर मोहन बाबू को देखती हूँ। मुझे तो गुस्सा आता है। क्यों? हरदम गोरा गोरा गोरा। उनके दोस्त होंगे बड़े आदमी, लेकिन उनका खुद का भी तो कोई व्यक्तित्व है। दो चार बार तुमसे इस बारे में बात कर ली और तुम उसे जबरदस्ती कहते हो? जबरदस्ती करने के लिए कोई लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अपना वचन वापस ले सकते हो। के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं कि चंचल शंडियाल ने जैविक सफल महिला किसान बनने के सफर को कैसे तय किया, कैसे उनके इस सफर को रफ्तार मिली, कैसे कम लागत में उन्होंने बढ़िया उत्पादन हासिल किया और अपनी आमदनी को भी बढ़ाया, कौन सा मूल मंत्र था जो कि आधार बना जैविक खेती में सफलता हासिल करने के लिए। आइए इन तमाम बातों की जानकारी आपको देते हैं। मौसम की सब्जियां, घिया, तोरी, सीताफल, करेला, भिंडी, लाल व हरी दोनों मिर्च आदि सब्जियों की जैविक खेती की जा रही है। एक एकड़ से आरंभ की गई जैविक खेती चंचल शांडियाल की मेहनत से 2 से 4 और 4 से 10 एकड़ में फैल गई। अब केवल सब्जियां नहीं, फल, अनाज, मोटे अनाज के लिए अलग अलग यूनिट का विस्तार हुआ। एक से एक जुड़ते गए और कारवां बनता गया। महिला किसान स्वयं तो आत्मनिर्भर बनी है, साथ ही अनेक लोगों को भी रोजगार मिला है। इस वाले पोर्शन में हमारा सारा वेजिटेबल का है और यहाँ पर कुछ हमारे फ्रूट ट्रीज भी हैं, जिसमें कि हमारे अमरूद हैं, केला है, चीकू है और अंजीर है। और वेजिटेबल्स में सीजन की सारी सब्जियाँ हैं, जैसे घिया है, तोरी है, खीरा, करेला, ग्वार, भिंडी हमने 2 तरह की लगाई हुई हैं, लाल भिंडी भी है और ग्रीन भिंडी तो नॉर्मल होती है सब जगह, और मिर्ची है, धनिया है, ये सब हमारा इधर वेजिटेबल्स में है। ये सारा हमारा वेजिटेबल का पैच है, इसमें हमारा वेजिटेबल है और फ्रूट्स है, जिसको कि हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग करते हैं। उसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट भी हमारा देसी गाय के, हमारी ही गाय के गोबर का बनवाते हैं हम, और उसी को हम डालते हैं। और जो है गोकृपा अमृतम डालते हैं, जीवा अमृत डालते हैं, और समय समय पे स्प्रे भी यही हम गोबर और गौमूत्र और ये सब छाछ मिला के और ये करते रहते हैं। यहाँ पर हर तरह की गर्मी की जो गर्मियों में सब्जियाँ आती हैं उसमें सारी लगी हुई हैं इस वक्त, घिया, तोरी, बैंगन, करेला, भिंडी 2 तरह की हैं, लाल भिंडी भी है, हरी भिंडी भी है, और हरी मिर्च है, जो सीजन का है, ग्वार है, जो सीजन का है वो सारा इस वक्त अवेलेबल है। चंचल ने जैविक खेती में देसी गौ पालन के महत्व को समझा। शुरुआत में एक गाय खरीदी, अब इनके पास देशज 5 गिर गाय हैं, जिनकी देखरेख, स्वच्छ हवादार, आवास, खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता है।
गोबर की खाद भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं को सक्रिय करती है, केचुओं को पनपने हेतु उपयुक्त माहौल बनाती है। इससे मिट्टी में हवा पानी के संचार से भुरभुरापन, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसके साथ बीज उपचार, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, पोषण सभी की व्यवस्था गाय के गोबर से हो जाती है। इस तरह गौ आधारित जैविक खेती से लागत कम होती जाती है। गायों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार दिया जाता है, जिससे मिलता है स्वच्छ गुणकारी भरपूर दूध। दूध व उससे बने उत्पादों से अतिरिक्त बढ़िया आमदनी होती है ना दोहरा लाभ। फिर ये भी है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो बिना गाय के जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे गायों के बारे में भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड खेती का बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं एक गाय लेकर आई और मैंने पूछा सर से, तो सर ने कहा कि नहीं, आप शुरुआत में जो भी कर रहे हो ना, बहुत इकट्ठा ज़्यादा से मत करो। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो आप एक एक से करो, पहले उसको सीखो और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाइए और फिर आप अपने आप बढ़ाने लगेंगे। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते में भागना आपको अपने आप ही है। तो फिर मैं एक ही गाय लाई, जैसा भी मुझे बताया गया था उस तरीके से एक गाय लाई और फिर मुझे गायों के बारे में पता चला। तो आज धीरे धीरे मेरे पास 5 कैटल्स हैं, 2 दूध वाली गाय हैं और 3 जो हैं मेरे पास जो हैं हीफर्स हैं। अब गाय जब मेरे पास आई तो मैंने ये देखा कि खेती करना इतना ईजी हो गया है। जो लैंड मैं मेरे ख्याल से अगर जैसे साइंटिस्ट हैं विपिन शर्मा सर हैं उनसे मिली, उन्होंने बताया, अगर मैं उनसे ना मिली होती तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल भी मैं अगर खेती करती रहती तो अपनी लैंड को इतनी जल्दी फर्टाइल नहीं कर पाती। गाय जब से हमारे पास आई है तो हमारे जो खेत हैं वो 2 साल के अंदर ही इतना फर्टाइल हो गए हैं कि अगर आप उसके अंदर चलेंगे ना सर तो एंकल तक आपके पैर उसके अंदर चले जाएंगे खेत के अंदर। और गाय का गौमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत अभी हम सिंचाई करते हैं तो हर बार हम उसके साथ वो चलाते हैं, और जो स्प्रे करते हैं उसके अंदर भी हम गौमूत्र और नीम के पत्ते और मतलब भांग के पत्ते भी होते हैं हमारे पास, और कनेर है का मतलब ये दशपर्णी अर्क बनाते हैं हम, और कई सारे अर्क हम वो बनाते हैं, उसके बाद हम उनके पास स्प्रे करते हैं और वो हम उसके पर छिड़काव करते हैं, और हफ्ते में 2 या 3 बार हम छिड़काव करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि हमारे जो पौधे हैं उनके अंदर अगर आप शुरुआती स्टेज में ही अगर स्प्रे करने लगो तो कीड़े जो हैं वो एक तरह से रोकथाम उनकी हो जाती है, 80-90% तक कीड़े आते ही नहीं। गाय आने का उसके अलावा हमको एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमको तो दूध और घी और दूध घी पनीर मट्ठा ये सब मिल ही रहा है और लोगों को भी हम दे रहे हैं, तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी आई। और जो गिर गाय है इसके जो दूध में 24 कैरेट गोल्ड के ट्रेसेस में साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, ये गूगल भी हमें बताता है कि उसके यूरिन में और मिल्क में 24 कैरेट गोल्ड के ट्रेसेस साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। तो गिर गाय का दूध जो है हमारा 130 रुपये लीटर जाता है, मट्ठे बटर मिल्क को हम लोग 40 रुपीज़ केजी देते हैं और जो घी है उसको हम 2500 रुपीज़ केजी देते हैं, और लोग बहुत अच्छे से लेते हैं। फिलहाल तो मेरे पास सिचुएशन ये आ गई है कि कई लोग कह रहे हैं हमें दे दो और मेरे पास देने के लिए है नहीं। जैविक खेती को अपनाकर चंचल अपने खेतों में पोषण प्रबंधन कर रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रही हैं। हम सभी जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं होती हैं, बस जरूरत होती है इनके बारे में ज्ञान अर्जित करने की। इसके लिए चंचल ने भी बहुत सारी कोशिशें की, बाजार को जानने के लिए प्रयत्न किए। इनके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। वेलकम टू क्विज़ाथॉन। Number B for 5 points you can answer. Gajraj Four Corps is the correct answer and you get 5 points. Itanagar? Sorry. Right answer is Shillong. Now why Quizathon is different? Firstly, it's unique. Secondly, it's happening amidst nature under the blue sky. Which Viceroy of India visited the Jorhat Gymkhana Club? Are you guessing this one? No. Bullseye and you fetch 10 points. Tripura has 2 official languages. Okay. Kokbarak. Is the correct answer. Borua Club. 10 points to you, Borua Club. Today, in this final, we are going to find out the true champion of Quizathon. Rupert Kettle was associated with which sport in Assam? Yes, go ahead. Cricket.
and this will fetch 10 points to them. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। सफल किसान वो होता है जो बाजार और उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखे और अपनी मेहनत को जरा भी बेकार ना होने दे। कैसे चंचल ने इसे सार्थक किया, आइए आपको दिखाते हैं। दानी दानी का उपयोग हो, किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और उपभोक्ताओं को सदैव सुरक्षित खाद्य उत्पाद, इसके लिए प्रसंस्करण अत्यंत फायदेमंद है। समझदार उत्पादक की तरह सफल महिला जैविक किसान चंचल शांडियाल ने प्रसंस्करण के महत्व को समझा, एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। यहाँ पर जैविक अनाज दालों का प्रसंस्करण किया जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है, ये उत्पाद हाथों हाथ बिक जाते हैं, मांग लगातार बनी रहती है। अभी तो विस्तार की बड़ी गुंजाइश है, इसके पीछे बड़ा कारण है अच्छी सेहत के लिए जैविक उत्पादों की गुणवत्ता। ये कहना सही होगा कि जैविक फल सब्जी खाद्यान्न उत्पादक उपभोक्ता दोनों के लिए वरदान है। 10 एकड़ में ये कि अभी तक तो जो हम 4 एकड़ में जो डिवाइड किया था तो वो हमको इस तरह का मिलता है कि किसी ने हमको पूछा कि भाई हमको आपका जो गेहूं है वो इतना अच्छा लगा कि 3-4 महीने से हम रेगुलर ले रहे हैं, तो हमको जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमें, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि हम सुबह सुबह उठते ही एक ना ऐसे लोग की गोली लेते थे सुबह सुबह, और वो जब से हमारे ये गेहूं दाल और ये ऑयल वगैरह लेने लगे कि धीरे धीरे हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम हो रही है। अब वो उन्होंने कई लोगों को और भी बताया, तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हमसे 4 या 5 क्विंटल के करीब वो इकट्ठा ही जो लोग ले कर रख लेते हैं गेहूं, तो उनको देने के लिए हमारे पास गेहूं नहीं होता इकट्ठा। तो इसलिए मैंने ये बड़ा लैंड लिया है कि हम ना ज़्यादा गेहूं और ज़्यादा दालें वो कर पाए ताकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएँ, जो कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। एक जमीन लैंड को ज़्यादा बढ़ाने का मेरा एक रीज़न ये भी था, जो सीजनल क्रॉप्स में मैं गेहूँ दाल और अलसी वगैरह, अलसी है, चना है, मक्का है, ये सब लेती थी, तो वो मैं प्रॉपर तरीके से ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता था। अब मेरे साथ लोग ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट भी लोगों की ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैंने बड़ा लिया कि और लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ज़्यादा मैं प्रोडक्शन ले सकूं। और इसमें मेरे पास जैसे 3 तरह का गेहूं होता है, एक तो सोना मोती गेहूं होता है, वो लो ग्लूटेन लो शुगर और फॉलिक एसिड होता है उसके अंदर, जो कि हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक बंसी गेहूं है जो 200-300 साल पुराना है, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें भी लो शुगर लो ग्लूटेन है। अगली बार में एक खपली गेहूँ आता है जो कि प्रोटीन रिच है, उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी मैं अगले साल उसको भी लगाऊंगी। जब ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं हम सारा कुछ और गेहूँ कर रहे हैं, तो फिर छोटी सी एक प्रोसेसिंग यूनिट भी हमने लगाई कि ताकि कोल्ड प्रेस यूनिट की, उसके अंदर जो गेहूँ से आटा जब बनता है तो जो उसके न्यूट्रिशंस हैं वो सारे गेहूँ ख़राब ना हो, पूरे न्यूट्रिशन के साथ लोगों को आटा मिले, और उसी में फिर हम दलिया भी बनाते हैं और दालों को भी उसी के अंदर दलते हैं, सब कुछ मतलब उस एक मशीन से हमारा वो सारे काम हो जाते हैं। ये हमारी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट है और ये हमारी कोल्ड प्रेस चक्की है। इस चक्की के अंदर आटा पीसने की खासियत ये है कि इसके अंदर एक तो 8 से 10 घंटे भी ये चक्की चलेगी तो इसके अंदर का जो आटा है वो गर्म गर्म नहीं होता है, वो ठंडा ही रहता है, जिससे कि ये कि उसके न्यूट्रिशंस जो हैं वो लॉस कम होते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो काली सरसों है, पीली सरसों है, उसके अलावा यहाँ पर हमारा जितना भी ऑयल वगैरह होता है वो भी सारा कोल्ड प्रेस ही हम लोग यहीं पर ही सब बनाते हैं। और यहाँ आटा है, दाल है, काला चना है जो कि MP का है, मशहूर है, काली मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरे रंग की उड़द हम लोगों के पास होती है, और जो एक अपने आप ही एक स्पेशलिटी लिए हुए होती है उनका, वो सब हमारे यहाँ ही सब कुछ प्रोड्यूस होता है और यहीं पर ही हमारे प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग भी हमारा ऐसा नहीं है कि हम मशीनों से करते हैं, मैन्युअली करते हैं, हाथ की चक्की से जैसे परंपरागत तरीके से पहले किया करते थे उसी तरह से हम लोग सारा कुछ करते हैं। और हमारा इस चीज़ को लेकर हमारा मोटिव ये है कि हम जो है अर्बन एरिया में बैठे हैं, तो अर्बन एरिया के लोगों को सिर्फ यही रहता है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, पर ऑर्गेनिक मिलेगा कहाँ से,
तो ऑर्गेनिक उन तक अच्छी तरह से और सही रेट्स में उन लोगों को मिल जाए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये सब चीज़ें हम शुरू करी हैं। मैं पहले फैशन डिज़ाइनिंग जब करती थी, उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आई, तो उन दोनों में मैंने कंपेयर करके ये देखा कि पहले तो था जो मैं सिर्फ बिज़नेस कर रही थी, एक मेरी सोच में ये था कि मुझे अर्न करना है, मुझे कमाना है, और अब जो मैं कर रही हूँ इसमें अर्निंग भी है और इसके अंदर एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी है। जॉब सेटिस्फेक्शन ये कि मैं लोगों को अच्छा प्रोवाइड कर रही हूँ खाना, और इसके साथ साथ ये है कि मैं लोगों को रोज़गार भी दे रही हूँ जिससे कि लोग जो हैं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और हमारे यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है काम करने में, तो महिलाओं के अंदर इससे क्या है ना कि एक आत्मविश्वास भी जनरेट होता है और अच्छा लगता है उनको, और जितनी भी महिलाएं हैं वो और महिलाओं को भी मेरे साथ जोड़ रही हैं, क्योंकि हम लोग अब प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, अब मिलेट्स के उसमें भी जाएंगे हम बाय प्रोडक्ट में, तो उसके बिस्किट भी बनाने हैं, पापड़ भी बनाने हैं, उन सब चीज़ों को जितने अच्छी तरह से महिलाएं कर सकती हैं और महिलाएं जिस तरह से उनको बढ़ावा दे सकती हैं वो तो बात ही कुछ अलग होती है। और महिलाएं अपने आप में ये सब कर आत्मनिर्भर बन के ना उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में काम करें यदि आत्मसंतुष्टि अनुभव होती है तो कुशलता, सक्रियता और सफलता बढ़ जाती है। जागरूक प्रगतिशील महिला किसान चंचल शांडियाल जानती है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कम उपजाऊ मिट्टी, सिंचित असिंचित दोनों क्षेत्रों में उगने वाले, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान का सामना करने में सक्षम, खाद्य सुरक्षा और पोषण देने में समर्थ श्री अन्न यानी मोटे अनाजों की मांग निरंतर बढ़ रही है। इस मांग की आपूर्ति में जैविक विधि से मोटे अनाजों की खेती कर चंचल शांडियाल भी हाथ बटाना चाहती है। बुआई शुरू हो गई है ज्वार, जौ, जई, रागी, कोदो, कुटकी आदि। सही में मोटे अनाज सफलता का सबक भी देते हैं कि हालातों से नहीं हारना, आगे बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का ये है कि उन्होंने 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो इस बार फिर मैं मिलेट्स भी लगाऊंगी और उसके बाई प्रोडक्ट पर भी जाऊंगी। और इसी साल से अभी से ही वो सोइंग करनी है, मतलब आज सोइंग हो जाएगी हमारी, आज या कल में हमारी सोइंग हो जाएगी। वो हमें उम्मीद है कि चंचल शांडियाल ने जैसे परंपरा से प्रगति तक का सफर इतने बेहतर ढंग से तय किया है, एक सफल जैविक किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये हम सभी के लिए एक मिसाल है और एक संभावना है कि हम भी कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके लिए जरूर प्रेरणादायक साबित हुई होगी। साथ ही आपको बता दें आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है saphalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता है सफल किसान कमरा नंबर 110 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। तो हमने आपको दोनों माध्यम बता दिए हैं, अगर आपके पास भी है कोई कामयाबी की दास्तान तो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।